लौट आया है क्राइम अलर्ट। देखिए नए एपिसोड्स, नई कहानियाँ हर दोपहर 1 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। सुनिए, क्या पता इस बार लड़का हो जाए। बस हाँ, 2 बार बेवकूफ बना चुकी है, फिर से बनने वाला नहीं हूँ मैं। वो तो अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर मेरा दोस्त है, पहले पता चल गया कि लड़का है या लड़की। ये तो 2 और लड़की मेरे सर पे लाके नसवाती तू। आपके दोस्त ने ये भी कहा था, लड़की हो या लड़का, ये औरत के हाथ में नहीं है, ये मर्द के हाथ में है। अच्छा, अब तू मेरी मर्दानगी पे बात उठा रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, वो ही तो बोल रही है। मैं तो बस ये कह रही थी कि समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही थी। अच्छा हमारी एनिवर्सरी। अच्छा है, मारता है इस लड़की को, न दिन में चाहे ना रात में। चल देखो, टेंशन टेंशन, मेरा बच्चा थका हारा ऑफिस से घर आया है, उसको शांति देने के बजाय टेंशन दे दिया। क्या करूं इस लड़की का। तेरी माँ कब है क्या, तू सड़क पे आके खड़ी हो गई, उठ हट। तूने तो दिमाग खराब कर रखा है मेरा। बेटा तेरे लिए ना एक खुशखबरी है, तेरे लिए ना 3-4 लड़कियों की कुंडली देखी है, ये देख फोटो, कौन सी पसंद है पता। क्या बोल रही हो माँ। सही बोल रही हूँ, ये मेरे पोते को खा गई, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। माँ ये गलत बात है, ये मीना की गलती नहीं है कि आपको पोता नहीं मिल रहा है। बल्कि गलती इसकी ये है कि इस बार भी इसके कोक से लड़की थी चाहिए। चल हट। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अच्छा, नहीं हटेगी। 1 साल से ये ड्रामा सह रही हूँ मैं, अब मुझसे नहीं होता। सही कहा माँ, अब 1 साल जो ड्रामा किया है उसका कसर तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। चल चल अम्मा, छोड़े छोड़े मम्मी। अरे ये क्या कर रहा। बस अब बहुत हो गया, अब और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सविता बेवकूफ मत बनो।
उठ, बात हो गया तेरा, उठ उठ। खुशी 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 मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन तुम नहीं मानी। जानती हो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं? क्या करें अब बताओ। मैम कुछ कर दो, पहले से ठिकाना लगाना होगा। हाँ, और उसके बाद मीना को घर ले आना। अगर दोनों एक साथ गायब रहेंगी ना तो हम फंस सकते हैं। आराम से, आराम से, आराम से। खुशी कहाँ है? वो मम्मी पापा के साथ सो रही। सुनो, तुम अभी आराम करो, ठीक है? कल सुबह मिल लेना। सोचो, पापा मैं मीना को कमरे में लेके आया, वो खुशी के बारे में पूछ रही है। फिलहाल कोई बहाना बना दे। वो तो अभी के लिए मैंने बना दिया ना पापा, लेकिन कब तक छुपाएंगे कि खुशी मर चुकी है? बेटा छुपाना तो पड़ेगा तेरी माँ की बेवकूफियों को। भाई गलती मेरी थी, मैंने तेरी बात नहीं मानी और मेरी गलती का भुगतान मेरी बच्ची खुशी को करना पड़ा। मेरी बच्ची चली गई। सजा मुझे मिलनी चाहिए, आज बच्ची मेरे पास नहीं, खुशी चली गई, मैं जी के क्या करूंगी? मैंने मार डाला मेरी बच्ची को, मैंने मार डाला मेरी बच्ची को।